बाबा रामदेव इन्हें कौन नहीं जानता, वैसे तो इन्हें योग गुरु कहा जाता है, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। और अगर इन्हें विवादित बाबा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा रामदेव का नाम एक के बाद एक कई मामलों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एलोपैथी विवाद से अपनी किरकिरी करा चुके बाबा रामदेव का नाम एक और मामले से जुड़ गया है। मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मामला है बच्चों का। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित हरिद्वार स्थित वैदिक कन्या गुरुकुलम विवादों में आ गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से पढ़ने के लिए वहां चार बच्चों को मुक्त कराया गया है, जो कि वहां पढ़ने के लिए गए थे। परिजन जब मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोरोना टेस्ट के नाम पर मिलने से मना कर दिया गया। आरोप है कि बच्चों को भेजने के एवज में 6 लाख रुपए मांगे गए। पिता की शिकायत पर छत्तीसगढ़ सरकार के दखल के बाद देर रात बच्चों को सौंप दिया गया। सीएम बघेल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। दरअसल देवभोग ब्लॉक के धोराकोट निवासी शिक्षक कौशल सिन्हा ने अपने बेटे और बेटी को वहां पढ़ने के लिए रखा था। उनके साथ कौशल के रिश्तेदारों ने भी अपने बच्चे वहां पढ़ने के लिए भेजे थे, लेकिन इस कोरोना काल में बच्चे कैसे रह रहे हैं ये जानना हर माँ बाप का हक है। लेकिन हरिद्वार स्थित गुरुकुलम पहुंचते ही उनसे कहा गया कि कोरोना जांच करवा ले। आरोप है कि रुड़की अस्पताल की रिपोर्ट भी नहीं मानी गई और कहा गया कि पतंजलि में जांच कराना अनिवार्य है, रिपोर्ट 4 दिनों बाद आएगी तब मिलने दिया जाएगा। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। शिक्षक कौशल ने बताया कि वहां की अव्यवस्था के चलते बच्चों को वापस लाने का निर्णय लिया गया। आप समझ रहे हैं, अव्यवस्था यानी कि वहां बच्चे ठीक तरीके से नहीं रह रहे थे। इस तरह की शिकायतें माँ बाप को जरूर मिल रही होंगी। हर बच्चे के लिए 65,000 रुपए जमा किए गए थे, अब उन्हें वापस भेजने के नाम पर 1.5 लाख रुपए और मांगे गए हैं। देखिए, बच्चों को वहां रखने के लिए माँ बाप ने 65,000 रुपए पहले ही दिए, लेकिन अपने ही बच्चों को जब वापस बुलाया जा रहा है तो 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसे में 4 बच्चों के 6 लाख रुपए जमा करने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मांगी। तब जाकर बच्चों को जैसे तैसे गरियाबंद कलेक्टर नीलेश रात करीब 10:40 पर उन्हें बच्चे सौंप दिए गए। बच्चों की वापसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि बच्चों को बंधक बनाए जाने की शिकायत उन्हें मिली थी। सीएम बघेल ने लिखा कि पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी। गरियाबंद कलेक्टर और SP की पहल पर बंधक बनाए गए बच्चों को छोड़ दिया गया। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस पूरे मसले से एक चीज जरूर समझ में आती है कि हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं पतंजलि, जो कि एक टॉप ब्रांड बन चुका है और जिसके कर्ता धर्ता योग गुरु बाबा रामदेव हैं, आचार्य बालकृष्ण देखरेख करते हैं। वहां पर उन्हीं के गुरुकुल में ऐसे बच्चों को रखा जा रहा है। माँ बाप को ये लग रहा है कि वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अपने बच्चों को वापस लेने जाते हैं तो उनसे 2 गुनी रकम मांगी जाती है, तब जाकर वो बच्चों को छोड़ते हैं, वो भी जब सरकार दखल देती है उस राज्य की और DMSP खुद मौके पर पहुंचते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जिन विवादों में बाबा रामदेव घिरते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।